हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडीज अनुपम। तो बस एंड ईयर होने वाला है, आज सेकेंड डे है, मतलब सेकेंड डे, दो दिन बस बचे हैं एंड ईयर होने से पहले। और आपका प्लान क्या है न्यू ईयर का, मुझे बताना। मेरा तो बहुत ही मज़ेदार इस साल का प्लान है, तो मैं जा रही हूँ न्यू ईयर मनाने के लिए उज्जैन। जैसा बहुत लोगों को पता हो कि वहाँ महाकालेश्वर टेम्पल है, और मैं आज तक उज्जैन नहीं गई हूँ, तो इस साल का 1 जनवरी उज्जैन में मनाऊंगी। आज हमारी ट्रेन है अभी की इवनिंग की कल्याण से, तो चलो आप मेरे साथ बने रहो। इसमें ट्रैवल भी होगा, फूड भी होगा, थोड़ा पूजा पाठ भी होगा, सब होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जयकाल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जयकाल महाकाल, जयकाल महाकाल, जयकाल महाकाल, जयकाल महाकाल, जयकाल महाकाल विकराल शंभो। जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जयकाल महाकाल, जयकाल महाकाल, ओ जयकाल महाकाल। सृष्टि के संचालक महाप्राण तुम हो, तुम ही सुख तुम ही दुख निर्वाण तुम हो। सूरज से तेजस्वी सागर से निर्मल, चंद्रमा भी तारे भी ब्रह्मांड तुम हो। जयकाल महाकाल, जयकाल महाकाल, ओ जयकाल महाकाल, जयकाल महाकाल। और हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया, बहुत ही सुंदर था। और हम लोग नॉर्मल लाइन से गए थे, कोई भी आईपी नहीं, उसमें भी बस 1 आवर ही लगा, 1 आवर से भी कम लगा। और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ एकदम सामने से, अंदर कुछ अलाव नहीं है, ना जल चढ़ाना, ना फूल वगैरह कुछ नहीं, बाहर ये सब कुछ। चलो अभी बताते अभी पंडित पेट पूजा। Thank you.
सारे मंदिर जाएंगे और फिर अगर टाइम बचेगा तो अंदर वाले मंदिर करेंगे। तो लेट्स गो, और बीच में खाना भी खाएंगे। और ये रेस्टोरेंट का पोहा वॉज सुपर, कचौड़ी वॉज नॉट उतना गुड, 60 रुपये का था एक कचौड़ी, पर उसका वॉज पोहा बहुत अच्छा था। तो मैं वीडियो में वॉइस कवर भी करूँ क्योंकि बहुत साउंड है। चलो तभी मंदिर से स्टार्ट करते हैं। चलो हम फर्स्ट अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट, वो है गढ़ काली का मंदिर। चलते हैं अंदर। मंदिर की तरफ जो कि है आई गेस काल भैरव। तो हम लोग पहुंच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, सेकंड मंदिर जो कि है काल भैरव मंदिर। और आप भीड़ देखो, यहाँ तो भयंकर भीड़ है, महाकालेश्वर से भी ज्यादा भीड़ लगता है यहाँ पर। चलो दर्शन करना है, देखते कितना टाइम लगता है। लेट्स गो। कटवा सकते, सारे स्पेसिफिक पंडित जी लोग उसी के लिए हैं दोनों मंदिर में। यादे, यादे।
चार मंदिर से पांच मंदिर घूमने के बाद जो हम लोग थके हैं, लग रहा है पूरा भगवान का दर्शन आज ही हो जाएगा। पर ये लास्ट स्टॉप है आज का, ये कोई आश्रम है, मैं आपको बताती हूँ बाद में। और यहाँ पे हम लोग रुके हैं लंच करने के लिए। उज्जैन में एक बहुत ही फेमस डिश है, दैट इज नोन एज द बाफड़ा, दाल बाफड़ा, बाफड़ा या बाफड़ा, आई डोंट नो। तो आज अभी उसको हम लोग सबसे पहले लंच में वही ट्राई करेंगे, दाल बाफड़ा। और आपको लेके चलते हैं रेस्टोरेंट में, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारा वेटिंग है। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या क्या रहता है। दाल बाफड़ा थाली में, ये पूरा प्रॉपर थाली सर्व होता है, और इसका टेस्ट कैसा है।